क्या ये कोई रहस्यमय जगह है? आखिर क्या होता होगा यहाँ? ये कैसा बैंक है जो पहाड़ों के भीतर बना हुआ है? तो दोस्तों, ऐसा कुछ है नहीं, ये बहुत ही नेक जगह है जहाँ पे इंसानियत और एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए एक कोशिश चल रही है, एक पहल चल रही है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशोर और आप लाइव हो मेरे चैनल पे, यानी किशोर कुमार बैनर्जी पे। और ये वीडियो शुरू करने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज मैं आपको इस वर्ल्ड के सबसे सीक्रेट प्लेस के बारे में बताने वाला हूँ। इस जगह का नाम है स्वालबर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट या डूम्सडे सीड वॉल्ट। ये जगह नॉर्वे में लॉन्गयर्नबियन टाउन में स्थित है, जो कि एक आइसोलेटेड प्लेस है इस पूरे वर्ल्ड से, यानी कोई जाता नहीं है वहाँ। ये वॉल्ट बस 1300 किलोमीटर दूर है नॉर्थ पोल से, यानी ये आर्कटिक रीजन में स्थित है। नॉर्वे की गवर्नमेंट ने फंड करके ये वॉल्ट बनाया है और बनाने के वक्त यानी 2006 और ओपन तक यानी 2008 तक इसका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग था करीब $19 मिलियन, $19 मिलियन। इसके कंस्ट्रक्शन में एक ही फ्लोर है जो सीधा वॉल्ट्स पे जाके रुकता है। ये सीड बैंक 120 मीटर भीतर तक जाता है स्पिट्सबर्जन आइलैंड के इस पहाड़ में। अब आप जानना चाहेंगे कि होता क्या है यहाँ। इस प्रोजेक्ट का मिशन यही है कि अगर कभी युद्ध की स्थिति पैदा हो या वर्ल्ड का कोई भी कोना किसी नेचुरल कैलेमिटी से अफेक्ट होता है और वहाँ के सभी फसल बर्बाद हो जाते हैं, तो यहाँ बीजों को प्रिजर्व किया जाता है, उन्हें डोरमेंट स्टेट में रखा जाता है, यानी फलने फूलने नहीं दिया जाता है, और उन बीजों को यूज़ किया जाता है, उन बीजों को लिया जाए और उस जगह को फिर एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया जाए, फसल उगाया जाए। यही मिशन है इस वॉल्ट का। इन बीजों को वॉल्ट्स में कंटेनर के भीतर -18 डिग्री पे रखा जाता है। हालांकि वहाँ का टेम्परेचर -18 डिग्री से भी कम है, पर इन वॉल्ट्स को -18 डिग्री का स्टेबल टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है ताकि ये बीज डॉर्मेंट हालात में रहे, यानी ये फले फूले नहीं। वर्ल्ड के बहुत से देशों ने अपना योगदान यहाँ पे दिया है और अपने देशों में फलने वाले बीजों को यहाँ रखा है ताकि किसी देश में अगर कोई विपदा आए तो उस देश को बचाया जा सके। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे देश यानी इंडिया ने भी अपने बीजों को वहाँ पे डिपॉजिट किया है। इस सीड वॉल्ट का पहला मिशन कामयाब भी हुआ है। जब सीरिया में सिविल वार के बाद सीरिया को ज़रूरत पड़ा इन बीजों का, यह बहुत ही नेक काम है जो नॉर्वे की सरकार ने ली है और हमें इसकी सराहना करनी चाहिए। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आपको इस सीक्रेट प्लेस के बारे में पता था कि नहीं। साथ ही कमेंट करते वक्त थैंक यू नॉर्वे लिखे, नॉर्वे की इस कोशिश का समर्थन कीजिए। दोस्तों, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच और कमेंट कीजिएगा इस कोशिश, इस पहल जो नॉर्वे ने लिया है इसको सपोर्ट करने के लिए। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और घंटा बजा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे नेक्स्ट अपलोड्स की। और एक बात बताना चाहता था कि कुछ 3 महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था डेटा एंट्री फॉर्ड के ऊपर, तो उसमें बहुत सारे कॉमेंट्स आए मेरे भाई और बहनों से, वेल विशर्स से। तो अजय ऐसे एक थे जिन्होंने लिखा था कि किस तरीके से अर्निंग किया जा सकता है इंटरनेट पे, उस पर कुछ वेज बताने के लिए, तो मैं नेक्स्ट कुछ वीडियोस उस पर लाऊंगा। वो बहुत सारे उपाय हैं, तो वो एक एक करके वीडियो आएगा, तो आप वो देखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। और तब तक के लिए जागते रहो।